ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन एच आई से कराई तो यहाँ से एच टू ओ बाहर हो जाता है और क्या बनेगा आपका, सी एच थ्री सी एच टू आई आइडो इथेन बनेगा। फिर कराएंगे ए जी एन ओ टू के साथ, यहाँ से बाहर हो जाएगा आपका ए जी आई और क्या बनेगा, नाइट्रो इथेन बन जाएगा आपका। फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं एच एन ओ टू के साथ, मैं एच एन ओ टू को ऐसे लिख रहा हूँ, नाइट्रस एसिड। तो यहाँ से आपका ओ एच और यहाँ से आपका एच, क्या बाहर हो जाएगा फिर से एच टू ओ और क्या बनेगा आपका, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा, नाइट्रोसो प्रोडक्ट। इसके बाद आप इसमें एन ए ओ एच या के ओ एच मिला दो, तो एन ए ओ एच या के ओ एच मिलाने पर ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो बीकर था वो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर। अगर रेड कलर का हो गया इसका मतलब वो कौन सा एल्कोहल था, 1 डिग्री एल्कोहल था। अब 2 डिग्री एल्कोहल की कहानी देखते हैं।